नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं। बुद्धि वाला चैप्टर चल रहा है, इसके अगले भाग को देखते हैं। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इतनी जल्दी परेशान मत हुआ करिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाता हूँ एक दो दिन। लेकिन एक दो दिन अगर गैप होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले दिनों में एक दिन में 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो इस तरह से करके जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी मैं कवर कर दूंगा। और मैं भी जिम्मेदारियों का एहसास समझता हूँ कि आप लोगों ने इतना भरोसा दिखाया है और इतना भरोसा करते हैं और अन्य की तुलना में मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मेरा भी ये फर्ज है कि आप लोगों को मैं बेहतर से बेहतर चीजें दे सकूं जिससे आपका परीक्षा में लाभ हो। और अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है 5 से 6 चैप्टर का, वो मैंने मॉडल पेपर बनाया है 100 क्वेश्चंस का, और उससे मैं उम्मीद करता हूँ पूरी की कम से कम 5 से 6 प्रश्न उससे आएंगे, या 5 से 6 चैप्टर्स से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं बन सकता है। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा मैं चीजों को इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके लिए वो लैपटॉप पे ही करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं, उसके विकल्प भी हैं, तो इसमें तो मुझे लग रहा है 10 या 12 करीब भाग हो जाएंगे, तो वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और मजा नहीं आएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा संसाधनों को इकट्ठा करने में लगा हूँ, थोड़ा सा अच्छा बजट बनने के बाद मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि जितने भी सॉफ्टवेयर उसमें लगने हैं, जो भी जो चीजें जरूरी होती हैं लैपटॉप पे प्रेजेंट करने के लिए, उनकी व्यवस्था मैं कर लूंगा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा। और मैं आपको सारे मॉडल पेपर जो भी बनाऊंगा उस पर लैपटॉप के माध्यम से डालूंगा और समझाने वाली चीजें यहाँ ऐसे चलती रहेंगी। तो इसमें आइए देखते हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, चीजें कवर हो जाएंगी, परेशान मत होइए। बुद्धि निर्माण के सिद्धांत, अभी हम लोगों ने अभी तक बुद्धि के बारे में जाना, बुद्धि क्या है और उसके सामान्य परिभाषाएं देखी, और उसके अलावा हम लोगों ने बुद्धि के प्रकार देखे, थांडाइक ने जो बांटे हैं 3 प्रकार में। अब बुद्धि निर्माण के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। इसमें सिद्धांतों में इस बात की मेनली चर्चा की गई है कि बुद्धि क्या है, किन चीजों से निर्मित है, किस प्रकार कार्य करती है, इन चीजों के बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला सिद्धांत है अल्फ्रेड बिने का एक कारक सिद्धांत। जैसा नाम से ही लग रहा है कि एक कारक का मतलब है, इन्होंने यही बताया होगा कि बुद्धि में केवल एक ही कारक पाया जाता है, बुद्धि एक ही कारक है जो सभी मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। अल्फ्रेड बिने ये फ्रांस के हैं, पेरिस विश्वविद्यालय, पेरिस यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के ही प्रोफेसर थे और बहुत सारे काम किए हैं बुद्धि से रिलेटेड, बुद्धि के क्षेत्र में, तो इस वजह से इनका अलग महत्व है। ये अलग बात है कि इनके सिद्धांत को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली और शुरुआत में तो बहुत स्वागत हुआ, बहुत माना गया कि हाँ बहुत अच्छा सिद्धांत है इनका एक कारक सिद्धांत। लेकिन जैसे जैसे नए नए मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए तो वैसे वैसे इनके सिद्धांत की वैल्यू कम होनी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी सबसे पहला काम क्योंकि इन्होंने ही इस क्षेत्र में किया है तो इनको पढ़ना जरूरी है, अल्फ्रेड बिने का एक कारक सिद्धांत। यहाँ पे मैं इस तरीके से इसलिए चीजों को लिखता हूँ जितने भी सिद्धांत हैं कि आपको अलग अलग ना याद करना पड़े, क्योंकि अभी जैसे कम सिद्धांत हैं तो मैं अगर बोलूंगा एक कारक सिद्धांत किसने दिया तो अल्फ्रेड बिने, अभी आप ऐसे याद कर लोगे मान लो 15 से 20 सिद्धांत हैं तो। लेकिन जब ये संख्या ज्यादा हो जाएगी, मान लो 100-150 सिद्धांत हो गए पूरे मनोविज्ञान के, तब आप रटोगे तो एक ही में आप पंचमेल खिचड़ी बनाना शुरू कर दोगे। इसलिए मैंने ये एक नया प्रयोग किया है कि मैं जिसने सिद्धांत दिया है उसका नाम मैं पहले ही लिख देता हूँ, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने का एक कारक सिद्धांत। तो इससे आपका फायदा है कि आप जब याद करोगे तो जाहिर सी बात है पूरी लाइन याद करोगे, तो इसमें आपको अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें इन्होंने फ्रांस के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे और इस सिद्धांत का समर्थन टर्मन, स्टर्न और एम्बिगास ने किया है। टर्मन जिन्होंने बुद्धि लब्धि का पूरा कॉन्सेप्ट दिया है,
आगे हम लोग टर्मन के बारे में पढ़ेंगे। इतना जान लेते हैं कि अल्फ्रेड बिने के एक कारक सिद्धांत का समर्थन टर्मन, स्टर्न और एम्बिगास ने किया है। इसके अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त कार्यों को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के समर्थकों ने भी बुद्धि को समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करने वाली एक शक्ति के रूप में माना। मतलब इन लोगों ने माना कि ये एक अविभाज्य इकाई है, केवल एक ही खंड है इसका, और खंड नहीं है इसमें, एक खंडात्मक या अविभाज्य इकाई या एक शक्ति के रूप में इसको माना। और इस वजह से, एक शक्ति के रूप में मानने की वजह से ही इसको बुद्ध के एक छत्र प्रभाव के कारण ही इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। डिब्बे में बंद है तो जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि बुद्धि का एक छत्र राज्य है तो इस वजह से निरंकुश ही मान सकते हैं उसको। एक कारक के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को व्याख्या निर्णय की योग्यता माना। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो इन लोगों ने इसके निष्कर्षों के बाद निकाली। तो अल्फ्रेड बिने ने इसको बुद्धि को व्याख्या निर्णय की योग्यता माना। फिर टर्मन आए, टर्मन ने बुद्धि को विचार करने की योग्यता माना। स्टर्न आए, स्टर्न ने बुद्धि को नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता के रूप में माना। प्रारंभ में इस सिद्धांत का बहुत स्वागत हुआ, जैसा मैं बता चुका हूँ इस सिद्धांत को। लेकिन यहाँ पे इस सिद्धांत में इन्होंने एक गलती कर दी बिने साहब ने। इन्होंने बोला कि यदि कोई बालक एक क्षेत्र विशेष में निपुण है, एक विशेष क्षेत्र में निपुण है, तो वह दूसरे क्षेत्र में भी, अन्य क्षेत्रों में भी निपुण होगा। ऐसा इन्होंने कहा, बिने साहब ने, जो इनकी आलोचना का मेन कारण बना। क्योंकि अन्य लोगों ने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि यदि कोई बालक विज्ञान में निपुण है तो वो कला में भी निपुण होगा। तो इस वजह से इनकी बहुत आलोचना हुई और इस सिद्धांत में, इस वजह से इसके बाद फिर और सिद्धांत आए, किसी का द्विकारक, किसी का त्रिकारक। इसके बाद स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया और अपने ही सिद्धांत को उन्होंने सुधार कर फिर से स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत दिया, तो जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। और इस भाग में इतना ही। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका कोर्स मैं कंप्लीट करूंगा और समय से काफी पहले करूंगा, मेरा प्रयास यही रहेगा। तो इस भाग में फिलहाल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।